तो मात सरस्वती सुमर के धरु गुरु को ध्यान, आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मम ज्ञान। सती भूमिया आए कहीं जी करो हृदय में बास, देव अनुमति दास को सुनाया कहीं इतिहास। हाँ तो आई भैया, पहले भवानी की शरण में चलते हैं। भैया हमेशा मैं तुम्हें सुमरते आया हूँ और सुमरता ही जाऊंगा माँ। हमेशा मेरी बुच्ची को संभाल के मेरे कंठ पे आसन लगा के रहना माँ। और जो मेरे भाई साजबाज पर चल रहे हैं हमारे गिरिराज तूफानी सेमई वाले तहसील केलारस जिला मुरैना वाले ढोलक पर संगति कर रहे हैं, चिमटा बजा रहे हमारे रामवीर खरे ग्राम मड़ाकुचा वाले तहसील विजयपुर। और मेरे भगवत प्रेमी हो हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं आर्यन स्टूडियो पहाड़गढ़ रोड केलारस रामवीर अटल दूर खोड़ा वाले मेरे भगवत प्रेमी हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तहसील केलारस में। और हमारे अंगूर भैया सेमई वाले हमारे विवेक भैया जो गिरिराज तूफानी जी के भतीजे भी दूसरे तूफानी बनेंगे फिर। और हमारे राजपाल भैया गोस्वामी जी सवलगढ़ तहसील में बहुत अच्छी कैसे कैसे चलन करें वीर। और हमारे बीपी भैया गड़ी में तहसील बिजापुर में ये कहते हैं राजे भैया वहाँ नाम तो कैसे तुम्हें आए नहीं, अब बीपी की सुन ले हमारी कैसे बहुत अच्छी बीच है। और हमारे माखन भैया और ये सांकरे वाले और हमारे छोटू भैया सांकरे वाले हमारी कैसे कैसे सहयोगी और रामवीर भैया के सहयोग से भरी जा रही है रामवीर खड़े जो चिमटा प्रसंग के साथ। और हमारे मेरे भगवत प्रेमी हो मुझसे तो परिचित हैं गायक राधेलाल रावत मुंडा एम पी हिंदुस्तान ग्राम के हमारा कला तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना एम पी मध्य प्रदेश। आजा भैया भवन से सकल सवा यहाँ जुड़ गई ए मैया सकल सवा यहाँ जुड़ गई मुई आस तुम्हारी लग रही संगति कर रहे हैं बहुत अच्छे ए मोई आस मां कंठ विराजो आई के मोई सुर बतला जा आई के
हाँ तो हमारे आदरणीय बुजुर्गों और हमारे नौजवान साथियों, प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती अनुसुईया सीता जैसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी माता बहन, आइए सोता हूं हम आपके बीच में वो ही कथा पेश कर रहे हैं जो आप लोग हमारे स्टेज पे डिमांड करते हैं। मेरे गुरुदेव कीरत सिंह की गबी हुई कथा करण बद लीला और घटोत्कच का बद, कहां से शुरू करते हैं मां सती के रूप के माध्यम से, ध्यान लगाइए भैया। दुर्योधन ने जब सुना गुरु द्रोण त्याग दिए प्राण, करण बली बुलवाई के सुकहन लगी बलवान। लाला जितेंद्र दुर्योधन ने विचार किया महाभारत में मेरे सारे योद्धा मारे गए, अब तो केवल एक मेरा मित्र करण रह गया है, बस उसका इशारा है। और करण को बुलवा लिया रोकर कि क्या बोले भैया, आई मित्र मिलाज बचाइयो भैया, तेरो ही दर लो भैया ध्यान, हे भैया करण, ओ भैया बिरन एक तू ही मेरा सहारा रह गया है, तेरे बिना मेरी नैया को कोई पार नहीं लगा सकता भैया, क्या बोले। आई पिता माँ हम को छोड़ गई भैया करण, सबसे जो श्रेष्ठ से पिता माँ भीष्म आज बाणों की सैया पे लेटी हुई है, द्रोड़ा गुरु रण में जूझ गई आज हमारे गुरु द्रोण वीरगति को प्राप्त हो गए भैया, एक एक दिन में 10,000 फौजों को हन देते भैया करण, हमें क्या कर। नहीं नहीं दुर्योधन हमारा मती नहीं ना, क्या बोले। हाय जिगर में आई यघारी बढ़ के आइयो, तिरो ही धर लो मैंने ध्यान, एकदम से करण ने कहा है दुर्योधन घबराता वीर होकर, अरे गुरु द्रोण मर गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना मुझे प्रधान सेनापति बना, भैया दुर्योधन हंस गया वाह बहुत अच्छे रहे, आई बात तो फिर तू मेरा प्रधान सेनापति बन जा भैया, और इसी समय मैं तेरे शीश पे सेला बहाता हूँ, क्या किया भैया, चार्ज सौंप दिया। आहा करण क्या बोला भैया राजपाल, आई जिगर में मत घबराइयो, जिगर में मत घबराइयो, तीरो ही धर लो मैंने ध्यान, हर मित्र में लाज बचाइयो, घबरा मती मैं हूं ना तेरा प्रधान सेनापति। दुर्योधन ने जवाब दिया जाएगा तक ले तो फिर रहे। लेकिन सर मेरे रथ का साथ ही ऐसा होना चाहिए जो रथ के पहिया पृथ्वी पे ना अद पर पहिया हो जाए, जवाब दिया ऐसा तो कुरत है, हां केवल ना जान छोड़ मामा सल, हां वो ही रथ को साथ, क्या हुआ भैया।
क्या क्या हाँ मामा सल को सारथी बनवा दो तो देखना रणभूमि में क्या करता हूं। अरे मामा सल सारथी पाऊं सल का साथ दिला दोगे तो दिन में रात कर दो। दुर्योधन का बहुत अच्छा है। उसी समय क्या किया भैया, ए सल सारथी बनो आरो सल सारथी बनो जाए ना तलागिनो से न जापे वारी जिले से ना को आज रे बड़े गो दिखो करण यगारी रणभूमि में आए वो भैया। गिरिराज क्या हुआ, रणभूमि में खड़ो, अरे रणभूमि में खड़ो जो सजाई बढ़ो आवाज लगाई जन झंडा दीनो से सेना फरफराएगी भाई। अगर तू अपने माता पिता का अंश है तो कर्ण रणभूमि में खड़ा है संग्राम के लिए। अर्जुन कहने लगा, महाराज मुझे छोड़ दो जा कर्ण देख नहीं लूं। कन्हैया ने जवाब दो बेटा बिले बिलावे मत, क्यों मारो जा वो कैसे महाराज सुन मेरी बात। क्या बोले कन्हैया, सूत पुत्र जुधा बलधारी पारत वह बस नहीं आवेगी तुम माता कुंती कोटिरो वो भीद सकल ले आवेगी दीप बाण है मैया पे मंगवा ले तो तुम्हारी जीत हो जाएगी, नहीं तो बेटा 500 भाई मारे जाएगा। उसी समय भैया भगवान कृष्ण के वचन सुनकर के अर्जुन कहां पहुंचे सुनो, सुने कृष्ण की वचन तभी विदुर गिरह में आई चरणों में शीश नवा करके मैया से वचन सुनाई आज मैया के पास में अर्जुन भगवान कन्हैया दोनों पहुंचे। माँ क्या बात है बेटा, कैसे आ रहे हैं? ओ मैया सुन ले,
तुम जाकर मानो सतुवादी से ये मेरी समझ में आया है। भैया जवाब दो मैया से, हे मैया पांच बाणों को मंगा ले भगवान शंकर की तपस्या करिए करण ने, और पांच बाण ले आएगी तो तुम्हारे पुत्रों की जीत हो जाएगी, नहीं तो मारे जाएगी। मैया ने जवाब दो बेटा, अरे वो अपने पांच बाणों को कैसे दे देगा। जवाब दो मैया, वो इतना सत्यवादी है। अर्जुन कह रहे मैया सत्यवादी है भगवान कन्हैया, मुझसे कह रहे वो मने नहीं करेगा। क्यों कन्हैया? हाँ बुआ जी, वो सत्यवादी बहुत है करण, और तुम चली जाओ करण के पास, पांच बाणों को मारो। ठीक है मैं जाती हूं। तो कृष्ण की सुनकर वचन कुंती चली अकुलाई के करण के पास पहुंची है, मासु बोली अति दुखी आई के करण के पास मैया पहुंची। जवाब दो बेटा, बेटा ओ बेटा करण, बेटा करण क्या कौन है ये मुझसे बेटा कह रही है? माता हूं तेरे धर्म की, भिक्षा मांगने आई हूं, चुनों को स्वीकार कर आशा लगा के आई हूं। बेटा मैं बड़ी आशा लगा के तेरे पास में आई हूं, और बेटा मुझे दान की जरूरत है, मुझे दान दे। करण ने जवाब दिया, पहले तो तू जी बता दे मैया बेटा किस लिए कह रही है। मैया ने जवाब दिया, बेटा मैंने तुझे कुआरे में जन्म दिया था, और मंजूषा में बंद करके गंगा में बहा दिया। क्यों? क्योंकि कुआरे में जन्म तुझे दिया था तो मैंने सोचा कि मुझे लोक निंदा हो, तास बेटा गंगा में तू बहा दिया। करण ने जवाब दिया, धिक्कार है तेरी ममता के लिए, दूर हो जा मुझसे। करण रो करके क्या बोला, अगर तू मेरी मैया है तुझे मेरे पिता सूर्यदेव की चुनर है, इसे उनके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा तू मेरी मां है। मैया ने कही बेटा लंबो दे, क्योंकि भैया वो तो वास्तव में मां है। सूर्य नारायण ने करण से कहा था, बेटा करण एक दिन तेरी मैया तेरे पास आएगी और ये चुनर उड़ के दिखा दी, और जो चुनर से वो भस्म नहीं हुई तो समझ लेना जय मेरी मां है, भस्म हो गई तो समझ लेना ये मेरी मां है। वही चुनर भैया करण पर रखी थी और करण ने मैया को दी थी, तो करण ने कहा लो दिखाओ मुझे उड़ के। कुंती मैया ने जवाब दिया, मुझे कुंती मैया ने जैसे उड़ी भैया, तो आज कुंती मैया का कुछ नहीं हुआ था सुरत। और करण कहने लगा वास्तव में यही मेरी मां। क्या हुआ भैया? एकदम से करण पृथ्वी पर गिर गया, मां महा ए महा क्या बोला। मंजूषा में बंद किया, हे मैया मंजूषा में बंद किया, तब तू तरस नहीं आया है, मां तू तरस नहीं आया है, जब सूत पुत्र मुति कहा सब हमें तब क्यों नहीं वचन सुनाया है। द्रौपदी ने मुझसे साफ इंकार कर दिया कि मैं किसी सूत पुत्र के गली में जयमाला नहीं डालूंगी। उस दिन तेरी ममता कहां चली गई मां, उस दिन क्यों नहीं कहा था कि करण मेरा बेटा। आज दान की जरूरत पड़ी तो दान मांग ले आएगी, दूर हो जा मेरी नजरों से। मतलब कोई अब मां बनती है, हे हे हे।
भैया मतलब कोई अब माँ बनती है तो इन्हें कसरम नहीं आती है, तो इन्हें कसरम नहीं आती है। हट जा जहरन मेरी आग से को मुझको अधिक जलाती है। जवाब दिया दूर हो जा मेरी नजरों से दूर हो जा। हाय भैया कुंती मैया ने कहा बेटा कोई बात नहीं मैं तेरे दरबार से जा रही हूं। और क्या बोली भैया तो रखनी है यद शान तो इजी करो बचन स्वीकार है और बचन हारना है तुम्हें तो साफ करो इनकार। बेटा अगर तुझे बचन हारना तो साफ इनकार कर दे मैं तेरे दरबार से भाग के चली जाऊंगी। और मैया कुंती वापस हो एकदम से करण की आंखों में आंसू भरे ठहरो मां ठहरो क्या बोला हंस कर के बोला करण यूं मैया ये तू क्या कह रही मांग लो बर क्या मांगती पाओगी मैया तू वही मांगे मांगे माँ क्या मांगना चाहती हो तू जानती है कि तेरा बेटा करण पीछे हटने वाला नहीं है चाहे मौत भी सका जाए। मैया ने सोची तो बेटा पक्को परिगो दे दी क्या हुआ भैया भैया क्या बोली पक्का पा लिया करण ने तरवाचा भले ही मांगे वा जो तुम मांगोगी वही मैं देने के लिए तैयार हूँ। पांच बाण तू दे दियो हो बेटा मुई पांच बाण तू दे दियो मैया को बचन निभाई दिया यदुवंशी बाण में आई है उसी समय भैया भगवान कृष्ण ने मैया कुंती से पहले ही कह दी अगर तेरे बचनों को स्वीकार कर ले तो मैं गुहरीला बन के आ जाऊंगा और भी पांच बाणों को उठा लेना मैया मैं उन्हें हिला दूं। यदुवंशी बाण में आई है तक पांच बाण उठाई है तब करण को कपिता है ही ओ मैया को बचन निभाई दिया कुंती मैया तो चली गई और करण भैया एकदम से पृथ्वी पे गिर गया। हाय मैया मैया ये तूने क्या किया मैया मेरे पांचों दिव्य बाण तो उनको ही तू ले गई। और करण इधर में दौड़ करके मैया राधा के पास में पहुंच गया रोने लगा माँ माँ हे मैया अब तेरा करण बचने वाला नहीं है क्या बात है बेटा करण क्यों रो रहा है क्या बोले करण करण वाली घबुड़ा तारी माता
ना बेटा बता क्या बात। सुन मैया, अरे जब मैं छोटा था देवताओं ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया था। मां मैया मैया तेरा पुत्र अब बचने वाला नहीं। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं करते सूरवीर होकर के। नहीं मां मैं बचने वाला नहीं। आज मैया ने जवाब दिया, अरे इंद्र कवच कुंडलों को ले गया तो क्या हो गया। मैया पांच बाण लगी तो क्या हो गया। मैया क्या हुआ, अभी तो तेरे पास अश्व बाण है, एक योद्धा को तो कई हजारों योद्धाओं को मारेगा। करण ने जवाब दिया, तुम्हें भूली गई, तूने भूती भूली याद दिला दी। क्या बोला, अब अर्जुन को देख ले। ये माता की सुन के वाणी लीनी है बाण यूं चाहिए। सुन के वाणी लीनी है बाण चाहिए। आई करण रण कीर्तन आई गया, असली माता पिता कहां से तो बाहर निकल। करण रणभूमि में खड़ा है। अर्जुन कह रहे महाराज मुझे तुम दो दिन से रोक के बैठे, जा करने की फसल देख दो, नहीं जाके एक ही बाण में निकाल दो सवरमान। कन्हैया ने जा दो फर फरावे मत बेटा, मारो जागो। क्यों महाराज, सुन मेरी बात, अब ही बाप है अश्व बाण है, एक योद्धा को तो कई हजारों योद्धाओं को मारेगा, अब तू चुपचाप बैठ जा। कृष्ण ने पारत समझायो, ओ समर में होगी हानि लीनी है बाण उठाई। विपुल जाने मारू बजवाया, आप जाने जल्दी ठनवाया। Yeah.
इस प्रकाश से करण ने वाण उठाया, आवाज लगाई, ये अर्जुन कहां कारों की भांति छिपा हुआ। सोई भैया बिबल मारू में डंका लगा, एकदम से सेना फरफराई गई। तब तक हुआ क्या भैया, भगवान कन्हैया ने जवाब दा, भी मत जा, घटोत्कच बुलवा ले। घटोत्कच आ गया भैया भीम का पुत्र। और घटोत्कच ने मेरे भगवत प्रेमी क्या किया, हा हा कारण में मची खाली भाव में दान, दुर्योधन की सामने पहुंचा वीरू बलवान, बिड़ गयो भीमा सेन को लाल, दुर्योधन के सामने भीम को पुत्र घटोत्कच पहुंच गयो, हाथी घोड़ा रथ साहु फेंक दे उठाए उठाए, कोई ना सामने पर रहो भैया, उधर में क्या हुआ, आई क्या कर में बाण रहा, अर्जुन मारे शंख तू तकारी, कटो तो कच्चा भीम को पीटा, घटोत्कच ने भैया दुर्योधन को दबा ले, मूरा सामान को ले, कैसे ए दुर्योधन पकड़ी दबायो है रथ महसी, दुर्योधन को ले गया, दुर्योधन ने आवाज लगाई, भैया भैया ओ भैया करण मुझे बचा ले, घटोत्कच मुझे मार डालेगा। करण सुन रहे हो, आवाज कहां से आ रही है भैया, हां ऊपर की तरह निगाह हलाई, आए तो चिरैया सी दिख रही, क्या हुआ, लेके वीर स्वर्ग में धायो, तब हाई हाई चिल्लायो है रथ में सी, दुर्योधन पकड़ दबायो है रथ में सी,
पकड़ के भैया दबाए लो घटो तो कचरे एकदम से आवाज आ गई यहाँ आई सुन करण ने जवाब दो जब मैं राजा ही मत जाओ तो मैं जीवित हूँ का फायदा अब तो वही बाण खींच लो जो अर्जुन के लिए रखा था ए पानी सुनी के दरिया घन की गुस्सा गया करण को आई काय काय अश्व बाण जो लयो करण ने आय अश्व बाण जो लयो करण ने चौदिश सन्ना तोर है जाए भबड़ मच गौ सभी सभा में भबड़ मच गौ सभी दल में पंचो ध्यान बिसर नहीं जाए बाण जो मारो वीर करण ने छाती में लगो भरे राखाई गोला फूट गो हल्ला मच गो सब दला तिड़ू तिड़ू है जाई अरे वीर करण ने आज लाला की पंचो लाइए प्राण निकारे इस प्रकार से भैया आज करण ने घटोत्कच को मार के और पृथ्वी पर डाल दिया। एकदम से करण हंसने लगा। अब तो अर्जुन के बार रह गया। और क्या हुआ भैया भीम अर्जुन नकुल सहदेव धर्मराज रोने लगे। हे विधाता ये क्या हुआ सुई भगवान कन्हैया हंस के बहुत अच्छे रहे करण। एकदम से भीम ने कहा हे प्रभु मेरा पुत्र घटोत्कच मरा है और आप कह रहे हो बहुत अच्छे रहे। हाँ अर्जुन भीम अरे भाई मिल जाएगा यानी कि पिता मिल जाएगा मैया मिल जाएगी पुत्र मिल जाएंगे लेकिन माँ जाए भैया नहीं मिलेगा। अगर ये शक्ति घटोत्कच पे नहीं लगती तो अर्जुन आज नहीं बच सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं अर्जुन बच गया तो भीम को शांति दिला करके भैया और अर्जुन से भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन अब खड़ा हो जा और मार करण में बाण। और भैया करण में बाण मारने लगा अर्जुन और इधर में महाघोर संग्राम छिड़ गया भैया। और एकदम से करण क्या हुआ क्या बोला हाई क्या यार अर्जुन काई को मारे बैरी बाण यार अर्जुन ओ भैया भैया ओ भैया पारा हे अर्जुन भैया अरे मैं निहरता हूँ वीरन मेरे बाण मती मार भैया मेरे बाण मती मार आई क्या यार अर्जुन काई को मारे मीरे बाण ये घूरन को तेने हानि दायो ए भैया घायल कर दिया जो आई क्या तूने घायल करो वसा रतिया आज तूने घायल करो वसा रतिया आज ये घूरन को तेने हानि दायो
घोड़ों को मार डाला, प्रथम मेरा सारथी घायल कर दिया भैया। आई का रथ को प्रभु भी ने लियो री दबाई, रथ को प्रभु भी ने लियो है दवाई, ये रघुनाथ करण यो कही राया। कहने लगा भैया, अरे मेरे रथ के पहिया को निकालना भैया, उसके बाद में मुझसे संग्राम करना। अर्जुन ने जवाब दिया, निकाल रथ के पहिया। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, अर्जुन कहां भूल गए, मार अर्जुन करण में बाण। जवाब दो मारा, मैं नृत्य में बाण नहीं करूं। और क्या बोला भैया, ये क्या सोच रहा हो अर्जुन, कहां भूल रहा है, क्यों मारा, क्या सोच रहो पारत ठाड़ो, पारत ठाड़ो, अब अच्छी समय बनी तेरी, मैं क्या कह रहा हूं, तेरी बड़ी अच्छी समय बन गई पारत, उठा धनुष मार, मार करण में बाण। जवाब दो महाराज, मैं ना मार, क्या तुम कछ कर लो, क्या बोले कन्हैया, ले मान चलाए चाप जला दी, चाप जला दी, ले हाथ बाण मत दी रखने, जितेंद्र चिल्ला के संस्कार गुरु जी आनंद आ रहा। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज क्या तुम कछु कर ले हो, मैं निहत्ते पर बात नहीं करूंगा, क्यों, जब दिखेगी दुनिया सारी, ओ महाराज हाँ, जब दिखेगी दुनिया सारी, दुनिया सारी, राजपूत में धब्बा लग जाएगा, अच्छा तो ती राजपूत का धब्बा नहीं लगना चाहिए, का है हमारा, सुनो, अरे जब दुनिया देखेगी कि निहत्थी पे वार किया है तो नीरज पूती में दे जाओ महाराज, ये क्षत्रिय को धर्म ना ने निहत्थी पे वार करो। क्या बोले भैया, ना करो बार में निहत्थी पे, आई निहत्थी पे छत्री पनमी रो घट जाएगा, गिरिराज भैया। अर्जुन ने जवाब दो महाराज, मैं निहत्थी पे वार नहीं करूंगा, क्यों, मेरा छत्री पन घट जाओ। एकदम से भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, ए अर्जुन तू कहां भूल रहा है, क्यों महाराज, मैं तो नीति से लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा नीति से लड़ाई लड़वा चले जाएगा, हाँ, अरे तेरा पुत्र मनु बड़ी बुरी दशा से मारा, उस दिन इनकी नीति कहां चली गई थी, उस दिन तो चक्रव्यूह में यही करण योद्धा दुर्योधन दुशासन जजरथ द्रोणाचार्य कृपाचार्य ऐसे योद्धा ने तेरे अभिमन्यु का बड़ी बुरी दशा से वध किया था, गौर कहां भूल रहा है तू, भैया अभिमन्यु की याद आ गई, क्या हुआ, आज अर्जुन को अभिमन्यु की याद आ गई, जो तुम्हें भरो भैया, क्या हुआ, तब हाथ बाण अर्जुन ने लाया, तब हाथ बाण अर्जुन ने लाया, तब वीर याज है लाल भया,
का बचन उतारोए भैया। अर्जुन ने बाण मार करके पुत्र अभिमन्यु की याद आ गई और अर्जुन ने धनुष पर बाण धर करके और कर्ण की दोनों भुजा काट डाली भैया पृथ्वी पे पड़ गई। और भगवान कन्हैया कहने लगे हे अर्जुन, एक कर्ण बड़ा दानी था, आज भी दान दे सकता है। अर्जुन ने जवाब दिया महाराज तुझे परीक्षा जरूर करनी, चलो क्या हुआ भैया। भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश धर लेते हैं और अर्जुन छोटे से बालक बनाए और कर्ण के पास चलने के दान मांगा। डरो प्रकोप भीषण के डरो विप्रकोप भीषण कर्ण की जोर आई पहुंच गए। ओ करण जवाब दो कौन, आइए विप्रदेव आइए, कैसे आना हुआ। ओ भैया सुन ले भाई बात, अरे करण पे जा करियो भूली। करण हाँ कहो महाराज, क्या बात है, कछु गलती तो नहीं बन गई। नहीं भाई बात सुन ले, ओ करण पे जा करियो भूली तेरा नाम हमने जग में सुना है कि करण बड़ा दानी है भैया, तेरे पास दान हो तो मैं दान दे दे। महाराज मेरे पास तो दान नहीं है। क्यों नहीं, नहीं तेरे पास दान हमें दिख रहा है, तेरे पास भी दान है। नहीं नहीं महाराज, क्यों मेरी हंसी कर रहे हो। अरे अर्जुन ने मेरी दोनों भुजा काट कर डाल दे भैया, और मैं कहां से महाराज तुम्हें दान दूं। क्या बोले, आई के दान कहां से लाऊं। ओ महाराज आरे के दान कहां से लाऊं, मौत ने आज पकड़ लाई भैया। नहीं नहीं करण, अभी तो तेरे पास अनमोल वस्तु है। नहीं नहीं महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। है क्या महाराज, तेरे पास कंचन के दांत है भैया, एक कंचन का दांत तोड़ के दे दे। करण ने जवाब दिया ठीक है महाराज देता हूँ। आज करण के पास भैया भुजा तो थी नहीं, क्योंकि अर्जुन ने काट डाली। एक शिला पे मुंह खींच के मारा और दांत को तोड़ के भगवान कन्हैया के हाथ में दे दिया। लीजिए महाराज लीजिए। हाँ भगवान कन्हैया ने कहा है करण दानी या भिखारी है या शैतान है, कौन है तू जो मारा झूठा दान देता है। अरे इसे साफ करके दे दे तो दान लेंगे, नहीं तो हम जा रहे दरबार। ठहरिए महाराज ठहरिए, क्या किया भैया। आज करण ने पाए के अंगूठा था, धनुष को उठा लिया और होठों से बाण चढ़ा लिया भैया, धन्य से शूरवीरों को। क्या किया, अरे खेच का बाण वहीं में मारा,
के बाढ़ पृथ्वी में मारा, गंगा का फुब्बारा छूट पड़ा और दांत को पखार के कन्हैया के हाथ में दे दिया, लीजिए महाराज उठाए। एकदम से भगवान कन्हैया चतुर्भुजी रूप में आ गए। जय हो, जय हो करण, तेरे जैसा दानी मुझे संसार में नहीं मिला। करण ने जवाब दो महाराज, अब तो मेरा जीवन ही धन्य है। अरे चतुर्भुजी रूप स्वयं नारायण मेरे पास खड़े हैं। जय हो प्रभु, जय हो, मेरी गति अब वैकुंठ में ही हो गई। नहीं नहीं करण वीरन, मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूं, अगर तू कहे तो मैं तुझे अमर बना दूं। भैया जवाब दो, नहीं महाराज अमरता का मुझे कोई लाभ नहीं, अब तो बस एक काम कर दो। क्या आई कसुर कन्हैया कहने लगे, हे करण तेरे जैसा दानी भैया मुझे संसार में नहीं मिला, और तू कहे तो वीरन तुझे अमर बना दूं सदा सदा के लिए। करण ने जवाब दो, नहीं महाराज, अरे भगवान नारायण का रूप मुझे मरते समय कभी नहीं मिल सकता, मेरा तो उद्धार ही होगा, महाराज अमरता से मुझे कोई लाभ नहीं। नहीं नहीं करण, वरदान तो मैं तुझे दूंगा क्योंकि मैं तुझ पर ज्यादा बहुत प्रसन्न हूं। महाराज अगर तुम देना चाहते हो तो सुनो मेरी बात, एक वरदान दे दो। क्या बोलो? बोले करण वीर बलवान, मेरी सुनो यारज भगवान, जगे बतलाओ जहाना, जला हो कोई इंसान। जहाना जला हो कोई इंसान, ए महाराज अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो मेरा ऐसा क्या ऐसी जगह दाग संस्कार करना जहां कोई नहीं जला। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, ए मस्त ऐसा ही होगा मेरे भगवत प्रेमियों। कन्हैया ने वरदान तो दे दिया, अब तीनों लेखों में भ्रमण करने लगे, कहीं शुद्ध जगह नहीं। एक तमसा नदी के पास में पहुंच गए भगवान कन्हैया, और छोटी सी जगह मिल गई भैया, अंगूठा भरी, अंगूठा भरी जगह मिली। तो भगवान ने एक पैर से खड़े होकर और बताते श्रोता शास्त्रों में हथेली पर करण की लाश जलाई। मेरे भगवत प्रेमियों आज भी आप लोग अंदाजा पार के देख लेना, 4 बजे हथेली में से अपनी यानी के श्वास लेना तो चर्रांद की आवाज आए, क्योंकि करण का दाग 4 बजे ही लगा था हथेली। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, और ये कथा हमारी यहाँ पर संपन्न होती है, और मेरे भगवत प्रेमियों इस कथा में कुछ गलती बन गई हो तो अपने चरणों की धूल समझ के मुझे माफ करना है। और किसी श्रोता को हमारा प्रोग्राम यदि पसंद आ जाए मैया की जागरण में, देवी भागवत स्थल में, प्रेम प्यार में, छठी में, जन्मदिन में, जो हमें बुलवाना चाहे तो हमारा मोबाइल नंबर है 80-85-27-75-27। और मेरे भगवत प्रेमियों एक नई खबर आपके लिए हम देना चाह रहे हैं, राधेलाल श्रीमद भागवत पुराण का अध्ययन करना चाहता है, कछु समय के बाद में श्रीमद् भागवत भी हम पढ़ेंगे। किसी श्रोता को पसंद आया तो भागवत हमारी करवाएं तो बहुत अच्छी बात है श्रोता। अब हमारे
कछु भैया कहते हैं कि राधे ने कथा में प्रश्न जरूर लगाया कर। हमारे राजपाल भैया आपके ना गोस्वामी हमें आनंद आ जाएगा, तो सुन लो हमारे प्रश्न। सीता माँ के बारे नाम ये सीता माँ के बारे नाम पूछ रहो राधी बेदन सी सीता मैया के बारे नाम और सुन ले वाने बारह नाम सूर्य के चाहिए बारह नाम सूर्य नारायण के और बारह देव गणपति के चाहिए मैया सीता के बारह नाम और सूर्य नारायण के और गजानंद महाराज के बारह नाम और सुन ले वाने चाहिए दस विद्यन के नाम और जो काबू मालवान को विद्या कर विद्या तो दस है लेकिन इनके नाम बताओ चाहिए दस विद्यन के नाम पूछ रहा राधी बेदन सी कथा तो संपन्न हो ही गई सिंह को अपने धाम को जाऊं बिसराई और छोड़ काली का दाई भुजा को भूलत नयन छेरा दियो बताई भूमिया को बिन मुख ज्ञान दियो बतलाई आए का पीड़ा फिर जाऊं और बजाए जाइयो जाके रस में आएगा मेरे भगवत प्रेमियों ये कथा हमारी यहाँ पर संपन्न होती है। बोले गुरु महाराज की मैया सरस्वती की सच्चे दरबार की जय।